नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार की सियासत में जातीय राजनीति ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अब बिहार की जातीय राजनीति पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर लालू जी केवल यादवों का ही भला कर दिए होते तो आज बिहार की 13% जनता का भला हो गया रहता। उन्होंने जातीय राजनीति पर और भी कई बातें कही है, कई तरह के तंज कसे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों जातीय जनगणना के बाद जातीय राजनीति को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं, लेकिन उनसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में मीडिया से बातचीत के दौरान जातीय राजनीति के सवाल पर क्या कुछ कहा है। समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा हुआ है, लोगों को जाति समूहों में बांटकर अपनी रोटी सेकी गई है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग जात की भी राजनीति नहीं कर रहे, मैं तो मन से रोज कह रहा हूं। जात की राजनीति तो ये होती ना कि अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं कहूं कि भाई ब्राह्मण का सबसे अच्छा लड़का आगे बढ़ना चाहिए। लालू जी ये कहां कह रहे हैं कि यादव समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। मांझी जी ये कहां कह रहे हैं कि मुसहर समाज का जो सबसे अच्छा आदमी है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए और आप हमारे जाति के हैं इसलिए सब लोग आप हमको वोट दीजिए। अगर जातियों की भी राजनीति होती तो कम से कम उन जाति समूह के लोग तो अच्छे हो गए होते भाई। यादव समाज के लोग अगर धनी हो गए होते तो भी मान लिया जाता, कम से कम 14% बिहार तो अच्छा हो गया, 13% बिहार तो के लोग तो अच्छे हो गए होते। तो ये तो जात के नहीं राजनीति है, ये तो परिवार और स्वार्थ की राजनीति है। जाति का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने परिवार की और स्वार्थ की राजनीति को मजबूत बनाए रखने के लिए। बिहार में समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा हुआ है, लोगों को जाति समूहों में बांटकर अपनी रोटी सेकी गई है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग जात की भी राजनीति नहीं कर रहे, मैं तो मन से रोज कह रहा हूं। जात की राजनीति तो ये होती ना कि अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं कहूं कि भाई ब्राह्मण का सबसे अच्छा लड़का आगे बढ़ना चाहिए। लालू जी ये कहां कह रहे हैं कि यादव समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। मांझी जी ये कहां कह रहे हैं कि मुसहर समाज का जो सबसे अच्छा आदमी है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए और आप हमारे जाति के हैं इसलिए सब लोग आप हमको वोट दीजिए। अगर जातियों की भी राजनीति होती तो कम से कम उन जाति समूह के लोग तो अच्छे हो गए होते भाई। यादव समाज के लोग अगर धनी हो गए होते तो भी मान लिया जाता, कम से कम 14% बिहार तो अच्छा हो गया, 13% बिहार तो के लोग तो अच्छे हो गए होते। तो ये तो जात के नहीं राजनीति है, ये तो परिवार और स्वार्थ की राजनीति है। जाति का इस्तेमाल किया जा तो प्रशांत किशोर ने जातीय राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार इन दिनों यात्रा पर हैं तो लोजपा ने हमला बोला है उनकी समाधान यात्रा पर। और लखीसराय शेखपुरा जिला प्रभारी मंत्री राघवेंद्र भारती ने कहा है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसान परेशान है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों को पीटा जा रहा है अपना हक, अपना अधिकार और न्याय मांगने पर। क्या कुछ कहा है ये भी सुनाते हैं हम आपको। जब जब बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं करना है तब उनको कोई यात्रा पर निकल जाना है, ये इनका समाधान यात्रा पर निकले हैं पूरे बिहार में। बिहार की जनता त्रस्त है, छात्रों को पीटा जा रहा है और किसान को यूरिया कालाबाजारी में मिल रहा है और ये समाधान यात्रा पर निकले हैं। गरीब जनता त्रस्त है और नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर मस्त है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से त्रस्त हो गई है, बिहार की जनता अब उब गई है नीतीश कुमार से। बिहार की जनता अब आने वाली लोकसभा चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। इस पे क्या करना है? बिहार की जनता नीतीश कुमार से त्रस्त है तो पोस्टर नहीं फटेगा तो क्या फटेगा? विरोध होगा, क्यों नहीं ये मिलते हैं आम जनता से? ये सिर्फ अपने विधायक से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ता से सिर्फ मिलते हैं, बिहार की जनता से मिलना चाहिए इनको। बिहार की जनता के प्रति इनका क्या है? बिहार की जनता से इनसे त्रस्त हो चुकी है। सिर्फ चेहरा बदल, सिर्फ दल बदलता है, मुख्यमंत्री तो यही रह जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से, हमारे साथ प्रणव है, सीधे चलेंगे उनके पास। प्रणव, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जातीय राजनीति को लेकर बात कही और कहा है कि अगर लालू यादव सिर्फ अपने समुदाय को अगर सुधार देते तो बिहार की 13% आबादी बेहतर हो गई होती, जाहिर सी बात है आपत्तिजनक बयान है, इस पर सियासत भी तेज होगी, क्या कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, इस पर जाहिर सी बात है कि सियासत तेज होगी। प्रशांत किशोर इन दिनों जब से अपनी जनसुराज यात्रा पर निकले हैं तब से जहां भी जा रहे हैं, जहां भी सभा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर
सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार हो या फिर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव, सभी के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। और जब भी वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो उसके बाद हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन देखिए, जदयू इस पर कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देगी क्योंकि जदयू ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात करें, उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशांत किशोर की बातों को हम नोटिस नहीं लेते हैं, क्या कहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव भी इन बातों को पहले कह चुके हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही कह दिया कि प्रशांत किशोर क्या है हम नोटिस नहीं लेते, तो राजद भी उन्हें नोटिस नहीं लेती है। लेकिन उन्होंने बड़ा हमला बोला है लालू प्रसाद यादव पर। राजद सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव और कह सकते हैं लोगों से भी काफी जुड़े हुए नेता है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि राजद की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। हालांकि राजद की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया जरूर आएगी, अब कल देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। लेकिन देखिए, जो बयान उन्होंने दिया है, जब से जातीय जनगणना की बात शुरू हुई थी, बिहार में जाति आधारित गणना शुरू हो चुकी है 7 जनवरी से ही, और काम जो है पहले चरण का वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन सियासत तेज हो गई है। पहले बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक में भी कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हम साथ हैं, सभी लोग साथ थे। सर्वदलीय बैठक हुई थी और बिहार के जितने भी तमाम राजनीतिक दल हैं सभी ने सहमति दी थी। उसके बाद जाति आधारित गणना पे मुहर लगी थी। बिहार सरकार ने फैसला लिया था कि राज्य सरकार अपने खर्च पर जाति आधारित गणना कराएगी। लेकिन जब से जाति आधारित गणना का काम शुरू हुआ है या उसके शुरू होने के कुछ दिनों पहले से ही लगातार बीजेपी हो या फिर प्रशांत किशोर हमला बोलते आ रहे हैं। सुशील मोदी ने पहले कहा था कि उपजातियों की गणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उपजातियों की भी गणना होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर रहे नीतीश कुमार, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि किस तरीके से जाति आधारित गणना होगी। तो अब सवाल कहीं ना कहीं उठने लगे हैं जाति आधारित गणना को लेकर के भी। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार का गठबंधन टूटा था, जदयू और बीजेपी अलग हुई है, तब से ही बीजेपी लगातार हमलावर है। और जब से प्रशांत किशोर अपनी यात्रा पर निकले हैं तब से लगातार हमलावर है, नीतीश कुमार के ऊपर भी, तेजस्वी यादव के ऊपर भी। आज उन्होंने एक बड़ा बयान लालू यादव के लिए दे दिया है कि लालू यादव अगर चाहते तो यादव का भला हो सकता था। एक विशेष जाति को लेकर के भी टिप्पणी की है, लालू प्रसाद यादव को लेकर के भी टिप्पणी की। और उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि जो भी नेता है बिहार में सभी जाति को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, किसी को जाति से कोई मतलब नहीं, केवल अपने घर के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जितना मांझी का भी जिक्र किया था अपने बयान में, उन्होंने कहा कि मांझी ने भी किसी को आगे नहीं बढ़ाया, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे, और लालू यादव भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान प्रशांत किशोर ने दिया है। हालांकि हमलावर तो वो शुरू से रहे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी के तहत ये बयानबाजी जो है वो हो रही है। लेकिन फिलहाल इस पे कोई रिएक्शन किसी भी राजनीतिक दल की बात करें तो नहीं आई। अब देखना होगा कि जब कुछ बयान आता है तो क्या कुछ आता है। बिल्कुल प्रणव, एक तरफ जातीय सियासत हो रही है, प्रशांत किशोर सीधे सीधे कह रहे हैं कि एक समुदाय अगर सुधर गया होता तो बिहार की हालत आज और बेहतर होती, यानी सवाल उस पूरे समुदाय पर है। वहीं दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर लोजपा भी खड़े कर रही है कि किसान परेशान है और जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है जब वो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे में कहीं ना कहीं ये दोनों मुद्दे बिहार के लिए काफी अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल, देखिए, छात्रों की बात करें या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें या फिर किसानों की बात करें तो मुद्दा काफी अहम है और लगातार जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। किसानों की बात करें तो कई जिलों से खबर आई थी कि खाद की कालाबाजारी को लेकर के हंगामा हुआ था, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो फिलहाल जो बिहार में कृषि मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि कहीं किसी जिले में थोड़ी बहुत समस्या थी, सरकार ने उसे दूर कर लिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से जो हमें मदद मिलती थी वो नहीं मिल पा रही थी, यही कारण है कि थोड़ी समस्या जरूर हो रही है। लेकिन शिक्षकों के मुद्दे की अगर बात करें या फिर अभ्यर्थियों के मुद्दे की बात करें, बीएसएससी के अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि सर पटना में बीएसएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनजान बनते दिखे। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, अधिकारियों से सवाल पूछने लगे कि कब लाठीचार्ज हुई, क्या कुछ हुआ बताइए। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव से जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी यादव मामले में संज्ञान लेते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि मामले को हम दिखवा रहे हैं, जो सही होगा उचित कार्रवाई भी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान आया उससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने बीएसएससी का एग्जाम दिया था, वो कहीं ना कहीं आहत हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर हमारा प्रदर्शन था, लाठीचार्ज हुई, लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, जब परीक्षा
प्रथम चरण की रद्द हुई थी, तभी से हम मांग कर रहे हैं कि तीनों चरण की परीक्षा रद्द हो जाए, लेकिन परीक्षा केवल एक ही चरण की रद्द हुई, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी भी नहीं है और आयोग ने हमसे सबूत मांगा है, यानी कि छात्रों से, जो बीएससीसी आयोग है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो सबूत है किसी के पास कि यदि तीसरे चरण का परीक्षा रद्द हुआ है तो उसका सबूत आयोग के पास भेजें, आयोग उसके आधार पर जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी जो मामला है इसको लेकर के भी अभ्यर्थी काफी नाराज हैं और राजनीतिक मुद्दा भी ये बना है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को बेहतर तरीके से भुना है और अब विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो भी इस मुद्दे को भुना रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पे समस्याओं का, चुनौतियों का समाधान नीतीश सरकार कैसे करती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।